325 जो बहुमत दिया था 2017 में, भूल जाए 2022 में 25 सीट नहीं आने की। खान क्वेश्चन थे जिसपे नंबर नहीं मिलना चाहिए था, उस पर नंबर दे दिए उन्होंने, और बहुत से ऐसे क्वेश्चन पड़े हुए हैं जो काफी कठिन है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। आंसर की आई थी तो आंसर की जब आती है तो बच्चों को आपत्ति करनी होती है उस पे, तो जिन क्वेश्चन पे आपत्ति की गई उन पर कॉमन नंबर नहीं दिए गए, और जिन क्वेश्चन पे आपत्ति नहीं की गई जो कि बहुत आसान थे उन पर 3 नंबर कॉमन दे दिए। टेट करा लो, अभी जो है हुआ नहीं है टेट, उसको भी हम क्लिक को क्वालिफाई करते हैं। धरने पर बेशक बैठे हैं हम, योग्यता में हमारी कोई कमी नहीं है। जो बचे हुए हैं जो पिछली भर्ती के 68,500 के, ये 69,000 में ऐड किए जाएं, और जो बेरोजगार व्यक्ति घर बैठा है उसे रोजगार कैसे मार दिया, रोजगार सारे खत्म हो गए, प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं है, बंदा जाए तो जाए कहाँ, योगी जी से हमारी। नमस्कार, मैं विजय, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गाँव की गूंज दिल्ली तक। आज लखनऊ के एक गलियारे से गूंज हम दिल्ली तक पहुंचाने की बात करने आए हैं, क्योंकि कल ही पीएम ने काशी में योगी जी के तारीफों के पुल बांधे। विकास के बारे में उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि यूपी में विकास कहां कहां और कितना हुआ है, हम क्या क्या गिनाएं, इसके दो मायने। लेकिन आज बात कर रहे हैं योगी राज की, जिन्होंने बोला था कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक ही नहीं है जिनसे हम भर्ती पूरी कर सकें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 भर्तियों को भरने का पूरा आदेश दिया। 69,000 लोगों की भर्ती की गई, उस भर्ती पे भी अलग अलग आरोप और प्रत्यारोप लगते रहे, लेकिन आज हम जिनसे मिलने आए हैं उनका आज 26वां दिन है, 26 दिन से वो इस धरने पर बैठे हैं, और यहाँ राम राज है, और राम राज की कोई गुंजाइश और सुनवाई करने वाला शायद ही कोई पैरोकार इनका यहाँ पर आया हो, ना सरकार आई ना अधिकारी आए, और इन लोगों की आवाज़ और मसले को समझने की एक छोटी सी कवायद हम करते हैं, जानते हैं क्या है। आपका नाम? मेरा नाम पुनीत कुमार है। आप यहाँ क्यों हैं? हम यहाँ 26 दिन से धरने पर यहाँ बैठे हुए हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है, उसमें ये है मामला कि जो 68,500 एक वैकेंसी और निकाली थी प्रदेश सरकार ने, 2017 में सरकार बनी 325 के बहुमत से, लेकिन इनके जो ये वायदे थे बिल्कुल बेकार रहे। 69,000 और ये दूसरी भर्ती वैकेंसी 69 वैकेंसी आई, जिसमें कुल मिलाकर 1,36,000 पद बैठते हैं। पिछली भर्ती में योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे थे, लेकिन इस बार 1,86,000 लोगों ने सुपर टेट परीक्षा पास की, 2 बार टेट क्लियर कर रखा है, सुप और जूनियर टेट भी क्लियर कर रखा है, और सुपर टेट में 100 नंबर लेकर बैठा हूँ, और फिर भी मैं अपने घर बैठा हूँ। और अकेडमिक इन्होंने लगाई, जिसकी अकेडमिक कम है, कल्याण सिंह के जमाने का जो व्यक्ति पास है जिसकी अकेडमिक कम है वो बेचारा घर बैठा है क्वालिफाइड। आज भी अगर टेट करा लो, अभी जो है हुआ नहीं है टेट, उसको भी हम क्लिक को क्वालिफाई करते हैं। धरने पर बेशक बैठे हैं हम, योग्यता में हमारी कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारा सरकार से यही कहना है कि ये जो 22,000 पद हैं जो बचे हुए हैं जो पिछली भर्ती के 68,500 के, ये 69,000 में ऐड किए जाएं, और जो बेरोजगार व्यक्ति घर बैठा है उसे रोजगार दिया जाए। कोरोना काल ने तो वैसे ही मार दिया, रोजगार सारे खत्म हो गए, प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं है, बंदा जाए तो जाए कहाँ, योगी जी से हमारी ये मांग है। 325 जो बहुमत दिया था 2017 में, भूल जाए 2022 में 25 सीट नहीं आने की। ऐसा लगता है कि क्या 68,500 भर्ती के पीछे और उसको ना पूरा करने के पीछे सरकार की कोई दूसरी मंशा भी है? देखिए, सरकार की मंशा तो बिल्कुल साफ है। अब इतना जो है देख लीजिए, कोई सी है, ये तो हमारी भर्ती शिक्षकों की भर्ती है, कोई सी भर्ती देख लीजिए, सारी जो न्यायालय में कोर्ट में पड़ी है, कोर्ट के अधीन है, SI की कोई नोटिफिकेशन निकलता है, आयु सीमा में छूट के लिए लड़कों को टहला रहे हैं, कोई सी वैकेंसी देख लीजिए, पुलिस की जितनी भी है, सारी जो जितनी भी वैकेंसी निकाली है इन्होंने, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बात यही है हमारी, 22,000 पद हमें चाहिए, और हमारा जो बेरोजगारी का जो मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा है, इस समय हम खाली बैठे हैं, क्या करें हम बताइए। सरकार से हमारी यही विनती है, योगी जी से हमारा यही कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि हमें जो है ये पद देकर हमारी जो है समस्या का समाधान करें। ये पुनीत थे, इन्होंने अपनी बात की, और इनकी बात में एक अच्छी खास बात थी कि अगर योगी जी में दम है तो एक बार परीक्षा ले के देखें, हम धरने के अलावा परीक्षा पास करके फिर देखें, यानी जो योग्यता की बात थी वो योग्यता की बात इनके दम पर पूरी उतरती है। हम देखते हैं कि आगे बात करते हैं साथी से, ये बताएंगे कि इनका क्या मामला है। आपका नाम? मेरा नाम फूल कुमारी है, मैं बस्ती से आई हूँ। हम लोग यहाँ 26 दिन से धरना दे रहे हैं। खान क्वेश्चन थे जिसपे नंबर नहीं मिलना चाहिए था, उस पर नंबर दे दिए उन्होंने,
और बहुत से ऐसे क्वेश्चन पड़े हुए हैं जो काफ़ी कठिन है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए हम लोग एकदम बेकार पड़े हुए हैं। और नहीं, ये नंबर कठिन और सरल वाला क्या मामला था? खातून जी ये बताएं कि ये मामला क्या था? आंसर की आई थी, तो आंसर की जब आती है तो बच्चों को आपत्ति करनी होती है उस पे, तो जिन क्वेश्चंस पे आपत्ति की गई उन पर कॉमन नंबर नहीं दिए गए, और जिन क्वेश्चन पे आपत्ति नहीं की गई जो कि बहुत आसान थे उन पर 3 नंबर कॉमन दे दिए गए। क्वेश्चन सही थे उनको तो नंबर नहीं एक्स्ट्रा मिले, लेकिन जिनके गलत थे उनको एक्स्ट्रा नंबर मिल गए। जवाब दिया, वो जवाब अपने आप में पूरा है कि जो योग्यता का मानक होना चाहिए था उसकी बजाय योग्यता का मानक ही सरकार ने बदल दिया।